my name is Kaushik and today we will be talking about the way of the world this drama is written by William Congreve and William Congreve is a famous restoration playwright and poet so in this section we will be covering about the author section we will be talking about summaries and important characters and in the last we will be talking about the themes William Congreve William Congreve was an English playwright and poet of the restoration period. William Congreve Restoration Period se related a playwright or a poet. Wo the. He was born on 24th January 1670, the United Kingdom. Mein wo janme the. He died on 19 January 1729, London, United Kingdom. His parents were William Congreve and Mary Browning. दी वे ऑफ द वर्ल्ड द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले रि बाई इंग्लिश प्ले रिट विलियम कनग्रीव इट प्रीमियर इन अर्ली मार्च सेवनटीन हंड्रेड इन द थिएटर इन लिंक एंड इन फील्ड इन लंडन तो जो विलियम कनग्रीव का जो ये वर्क है वे ऑफ द वर्ल्ड ये आपका जो सबसे पहले प्रीमियर हुआ था वो अर्ली मार्च सेवनटीन हंड्रेड में इसको प्रीमियर किया गया था

नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर एडवर्ड मीराबेल और इनका नाम है मेर और मीराबेल इज नाउ ऑनेस्टली इन लव विद मिसेस मेलामेंट ये अभी लव में है किसके मिसेस मेलामेंट के अ यंग अट्रैक्टिव इंटेलिजेंट वुमेन एंथनी वुडवर्ड जो एंथनी वुड एंथनी विटवुड या इनको विटवुड या भी कहा जाता है एंटनी विटवुड इज अ सूटर ऑफ मिस मिलामेंट एंड हाफ हाफ ब्रदर ब्रदर ऑफ टू सर विटवुड. पेटुलेंट और पेट. पेटुलेंट इज अनदर सूटर ऑफ मिसेस मिलामेंट एंड इज ऑफन सीन विद विटवुड ये विटवुड के साथ देखे जाते हैं बार बार सर विटवुड और सर विल सर विलफुल इज हाफ ब्रदर टू एंथनीट वेल वेट वेल और इनका नाम वेट भी है आ, प्ले में मिराबिल्स ये मिराबेल के सर्वेंट है इन अकॉर्डिंग विद मिराबिल्स डायरेक्शन मैरिज फेबल जो मिराबिल उनको सजेस्ट करती है और फेबल से शादी कर लेते हैं लेडी विस्फोर्ट सर्वेंट जो फीबल है वो लेडी विश्फोर्ट का सर्वेंट है बट देन प्रिटेंड्स टू बी वेल ब्रेड मैन नेम्ड सर राउलिन टू ट्रिक लेडी फेक एंगेजमेंट लेडी विश्व और इन्हें लेडी विश भी कहा जाता है लेडी विस्फोर्ट इज अ बाइटिंगली मीन विटी वेल्दी एंड ओल्ड लेडी शी इज एन आंट शी इज द आंट ऑफ मिस मिलामेंट एंड कंट्रोल्स हाफ सिक्स थाउजेंड पाउंड Of millamint's inheritance, oh coffee rich, hai, wealthy, and old lady hai, Lady Wishfort, Mrs. millamint, Miss millamint, Mrs. Mill, Miss millamint is the young lady whom Miss, Mister Mirabel, and many others love. She has a large inheritance of twelve thousand pounds, but is attempting to secure half of it, which is held by her aunt, Lady Wishford. मिसेस मारवुड मिसेस मारवुड के बारे में बात करते हैं मिसेस मारवुड या उन्हें मार मारवी कहा जाता है मिसेस मारवुड इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ मिस्टर फेनॉल एंड अ मैरिड मैन मिसेस एराबेला फेनॉल मिसेस फेन मिसेस फेनॉल हैड आर रिलेशनशिप विद मिराबेल बिफोर मैरिंग फेनॉल एंड इज स्टिल फ्रेंड्स विद हिम एंड एन एड इन हिज स्कीम मिसिस एराबेला फेनॉल जो है वो हैड अ रिलेशनशिप विद मिरावेल ये मेरावेल के साथ में रिलेशनशिप पे है बिफोर मैरिंग फेनॉल और जो फेबल है fable, ये एक फेबल अ सर्वेंट टू लेडी विश्वट ये लेडी विश्फोट जो काफी वेल्दी हैं उनका सर्वेंट है एंड इज इंट्रीग टू मिरावेल प्लॉट मैरिंग वेटवेल एंड देन इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ सर रॉल इन टू लेडी विश्व अब इसकी समरी की बात करते हैं जो फोर्ट एक्ट फर्स्ट इज सेट इन अ चॉकलेट हाउस वेयर मिराबेल एंड फेनॉल हैव जस्ट फिनिश्ड प्लेइंग कार्ड ये जो एक्ट फर्स्ट है उसमें एक चॉकलेट हाउस में है वेर जहाँ पे की मिराबेल और फेनॉल दोनों के दोनों अभी अभी उन्होंने कार्ड्स खेलना बंद किए हुए हैं अभी अभी फिनिश किया है अ फुटमैन केम्स कम्स देयर एंड मिराबेल दैट वेट वेल जो मिराबेल का मेल सर्वेंट है एंड फीबल लेडी विच फीमेल सर्वेंट वर मैरिड दैट मॉर्निंग जो दोनों सर्वेंट हैं वेट वेल और फीबल दोनों ने आज सुबह शादी कर ली है ये स्टोरी से शुरुआत होती है मिराबेल टेल्स फेनोल अबाउट हिज लव फॉर मिलमेंट एंड इज इनकरेज टू मैरी हर अब जो मिराबेल है वो फेनोल के बारे में बताती है फेनोल uh, टेल्स फेनोल जो मेराबिल है वो फेनोल को बारे अपने बारे में बताती है कि जो मिलामेंट है उससे प्यार करती है और इनक्रेज करती है कि वो उसको प्यार करे विटवुड एंड पेटुलेंट अपर एंड मेराबिल इज इंफॉर्म्ड दैट शुड लेडी विशफोर्ड मैरी एंड ही विल लूज सिक्स थाउजेंड पाउंड ऑफ मिलमेंट्स इनहैरिटेंस यहाँ पे विटवुड और पेटोलिट वहाँ पर आते हैं और मेरेबल को बताते हैं कि अगर जो लेडी विशफॉर्ड है वो शादी करती है तो ही विल लूज सिक्स थाउजेंड पाउंड ऑफ मिलेमेंट्स इनहेरिटेंस और तो मिलमेंट का जो सिक्स थाउजेंड इहेरिटेंस है वो उसके हाथ से चला जाएगा ही विल ओनली गेट दिस मनी इफ़ ही कैन गेट लेडी विशफोर्ड्स कंसेंट टू हिज एंड मिलमेंट्स मैरिज और उसे ये मिल ये पैसा मिल जाएगा मिराबेल को अगर वो लेडी विशफोर्ड की का कंसेंट ले लेता है इस पैसे इस जो शादी है उसे करने के लिए एक्ट सेकंड इज सेट इन सेंट जेम्स पार्क जो एक्ट सेकंड है जो फर्स्ट था वो तो आपका चॉकलेट हाउस में था जो सेकंड है वो है आपका सेंट जेम्स पार्क में मिसेस फेनल एंड मिसेस मारवुड आर डिस्कसिंग दर हेटर ऑफ मैन जो मिसेस फेनल है और मिसेस मारवुड है तो दोनों के दोनों हेटर ऑफ मैन को डिस्कस कर रहे होते हैं फेनल अपीयर्स फेनल वहां पर आता है एंड मिसेस मारवुड हुम ही हैविंग एन अफेयर ऑफ लविंग मिराबेल व्हिच विच ही डज अब वो मिसेस मारवुड को अक्यूज करता है कि आप मिराबेल के साथ में अफेयर में हैं और यह बात सच होती है मेन वायल मिसिस फेनेबल मेरा फॉर्मर लवर जो मिसेस फैनल है वो मिराबेल का जो फॉर्मर लवर है टेल्स मिराबेल दैट शी हेट्स हर हस्बैंड और कहती है मिराबेल को कि वो अपने हस्बैंड को से नफरत करती है दे बिगेन टू प्लॉट टू डिसीव लेडी विशफोर्ड इन टू गिविंग हर कंसेंट टू मैरिज और दोनों के दोनों प्लान करते हैं कि जो विशफोर्ड है वो अपनी कंसेंट इस मैरिज के लिए दे दे जिससे कि सिक्स थाउजेंड जो पाउंड है वो उनके हाथ से न जाए मिलामेंट अपीयर इन दार्क तब मिलामेंट वहाँ पर आती है एंड एंगर्स अबाउट द प्रीवियस नाइट वेन मिराबल वॉज कन्फ्रंटेड बाई लेडी विशोर्ट और गुस्सा होती है कि वह मिराबल पर गुस्सा होती है क्योंकि मिराबल जो होता है उसने लेडी विशवॉर्ट के साथ में कन्फ्रंट किया होता है शी टेल्स मिराबल वो मिराबल से कहती है ऑफ और डिसप्लेजर इन हिज प्लान विच शी ओनली हैज़ अ वेग आइडिया अबाउट आफ्टर शी लिव्स द न्यूली वेट सर्वेंट अपिया जो दोनों सर्वेंट न्यूली वेट थे दोनों आते हैं वहाँ पर मेराविल रिमाइंड्स दैम ऑफ देर रोल्स इन द्लान और जो मेराविल होता है वो uh, जो प्लान है वो दोनों सर्वेंट्स को उसमें इंक्लूड कर लेता है और उनको बताता है जो एक्ट थ्री फोर और फाइव हैं आर ऑल सेट इन द होम ऑफ लेडी विशफोर्ड जो थ्री फोर और फाइव एक्ट हैं तीनों के तीनों एक्ट लेडी विश्फोर्ड के घर पर सेट होते हैं वी आर इंट्रोड्यूस टू लेडी हु इज बाय फीबल टू मैरी दिस राउल एंड मिराविल्सोज अंकल सो दैट मिराविल विल लूज हिज इनहेरिटेंस तो यहां पर फिर से लेडी विशफोर्ड से वी आर इंट्रोड्यूस टू लेडी विस्फोर्ट यहाँ पर विस्फोट से जो लेडी विस्फोट से है वो ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि फीबल जिसको कि फीबल कहता है कि न, सर रावलैंड से उसे मैरिज कर लेनी चाहिए जिससे कि मेराबल ये मेराबल के सपोज्ड अंकल हैं कौन सर रावलैंड और इसकी जो मैरिज होनी चाहिए वो लेडी विस्फोर्ट से होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फीबल जिससे कि जो मेराबल है वो अपना जो इनहेरिटेंस है उसके पास वो आ, उसके हाथ से चला जाए सर रावलिन इज हाव एव वेटवेल इन डिस्काइज और जो सर रावलेंड है वो एक्चुअल में वेटवेल है जो कि इन डिस्काइज है एंड द प्लान इज टू इंटेंगल लेडी विश फोर्ड इन अ मैरिज विच कैन नॉट गो अहेड बिकॉज इट वुड बी बायी नॉट टू मैंशन अ सोशल डिस्क्रेस अब ये एक बाइगेमी होगी अगर वो दोबारा से शादी कर लेती है एंड ये सोशल डिस्ग्रेस का एक एक बात है सो वो जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा वेटवेल इज अ सर्विंग मैन लेडी विस्फोर्ट इज विश एंड एरिस्टोक्रेट और जो लेडी विस्फोर्ट है वो एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करती है विल ऑफर टू हेल्प आउट ऑफ द एम्बेसिंग सिचुएशन इफ शी कंसेंस टू दिस मैरिज ये मीराबल का ही प्लान होता है मिसेस लेडी विस्फोर्ट के लिए आ, कि वो कंसेंट दे दे तो मीराबल ऑफर करेगा उसको कि वो इस एम्बेसिंग सिचुएशन से उसे बाहर निकालेगा अगर वो कंसेंट दे देती है लेटर मिस मिसेस फैनल डिस्कसिस प्लान विद फीबल जो मिसिस फेनल, फेनल है वो जो प्लान था उनका उसे फीबल से डिस्कस करती है बट दिस इज ओवर हर्ड बाय मिसिज मारवुड लेकिन उसको ये बात मिसिस मारवुड सुन लेती है शी लेटर टेल्स दी प्लान टू फैनल और ये जो प्लान था वो बाद में फाइनल को बताती है हु डिसाइड्स दैट ही विल टेक हिज वाइफ्स मनी एंड गो अवे विद मिसेज मारवुड जो उसे बताते हैं कि वो अपनी वाइफ का जितना भी पैसा है उसे लेकर और मिसेज मारवुड के साथ चला जाएगा मेराविल एंड मिलामेंट

विद मिसेज फेनोस इनक्रेजमेंट ऑलमोस्ट कंसेंट दिलामिन नोस ऑफ देअ प्रीवियस रिलेशनशिप रिलेशंस मिलमेंट एक्सेप्ट और मिला Mila, मिराबल जो है वो फाइनली प्रपोज करता है मिलमेंट को और मिलमेंट फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेती है मिराबल लिव्स एज लेडी विशफोर्ट अराइव मेराबल वहाँ से चला जाता है और लेडी विशफोर्ट वहाँ पर आती है शी लेट्स इट टू बी नोन दैट शी वॉन्ट्स मिलोमेंट टू मैरी हर नेफ्यू और वहाँ पर आकर वो बताती है लेडी विशफोर्ड बताती है कि जो मिलेमेंट है उसे आ, उसके मै नेफ्यू से उसकी शादी होनी चाहिए सर विल विलफुल विटवुड हु जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दी कंट्री साइड तो वो जो नेफ्यू है वो कौन है विफुल विटवुड लेडी विशफोर्ड लेटर गेट्स अ लेटर टेलिंग ह अबाउट दर रावलिन प्लॉट और जो लेडी विशफोर्ड है वो बाद में लेटर लेटर टेलिंग हर अबाउट सर प्लॉट और एक उसे लेटर मिलता है जिसे वो सर राउलिन वाले प्लॉट से uh, के बारे में जानती है सर रावलिन टेक्स द लेटर एंड एक्यूज मेरा बेल ऑफ ड्राइविंग टू सप्टज देडिंग और जो सर रावलिन होता है वो uh, इस बात पे बहुत गुस्सा होता है कि जब उसे प्लान का प्लान के बारे में पता चलता है कि जो ये प्लान था ये मेरा बिल का था वो ये जानते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है लेडी विशफोर्ड एग्रीज टू लेट सर रावलिन ब्रिंग अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दैट नाइट और जो लेडी विशफोर्ड है वो सर रावलिन के साथ में मैरिज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले आती है बाय एक्ट फाइव जो एक्ट फाइव है उसमें लेडी विशफोर्ड हैज़ फाउंड आउट अ प्लॉट दैट फेनल हैज़ हैड वेटवेल अरेस्टेड मिसेज जो फेनल है उसने वेटवेल को अरेस्टेड करवा दिया है फेनल टेल्स मिसिस मिसिस फेनल टेल्स फीबल जो सर्वेंट था फीबुल से उसे बताता है दैट हार प्रीवियस अफेयर विद मेराविल इज नाउ पब्लिक नॉलेज और जो मिसिस फेनल है वो फीबल को सर्वेंट को बताती है कि मेराविल के साथ उसका जो अफेयर था वो अब पब्लिक नॉलेज में है मीन सभी उस बात को जानते हैं लेडी विशफोर्ड अपीयर्स विद मिसेस मारवर्ड जो लेडी विश्वड है वहाँ पर आती है मिसेस बारवुड के साथ में हुम शी थैंक्स फॉर अनवेलिंग प्लॉट और वो प्लॉट को बताने के लिए जो उनकी प्लानिंग थी उसे बताने के लिए उससे थैंक्स करती है फेनल देन अपियर्स फेनल वहाँ पर आती है यूजेस द इंफॉर्मेशन ऑफ मिसिस फेनल्स प्रीवियस अफेयर विद मिराबेल और जो मिसिस फेनल की Uh, का जो अफेयर होता है मेराबल उसके बारे में बताता है एंड मेलमिन कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी हिम टू ब्लैकमेल लेडी विश्फोर्ड और जो मिराबल एंड मेला मेलम्स था थी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्लैकमेल करने के लिए था लेडी विश्फोर्ड को टेलिंग हर दैट शी शुड नेवर मैरी एंड दैट शी इज टू ट्रांसफर हर फॉर्चून टू हिम लेडी विश्फोर्ड ऑफर्स मिराबेल हर कंसेंट टू द मैरिज इफ़ ही कैन सेव हर फॉर्च्यून एंड ऑनर यहाँ पर लेडी विश्फोर्ड मिराबेल को कंसेंट देती है और कहती है उसे कहती है कि मैं कंसेंट दे दूंगी अगर वो उसके फॉर्च्यून को और ऑनर को बचा सकता है तो मिराबेल कॉल्स ऑन वेटवाल वेटवेल मेराबेल वेटवेल को बुलाता है हु ब्रिंग्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म द टाइम बिफोर द मैरिज ऑफ द फैनउस इन विच मिसिस फेनॉल गिवस ह प्रॉपर्टी टू मेराबिल और जो मिसिस फेनल है वो फाइनली अपनी प्रॉपर्टी मेराबेल को दे देती है दिस न्यूट्रलाइज द ब्लैकमेल अटेम्प आफ्टर विच मेरा रेस्टोर्सिस प्रॉपर्टी टू होजिशन एंड देन द्री टू मैरी मिलामेंट विद दुल टेरिटेंस और फाइनली ये कंसेंट मिल जाती है कि वो एक दूस आ, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं सो दिस वॉज द समरी ऑफ द वर्क नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स सोशल एटिकेट एंड रेपटेशन जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सारा जो आ, प्ले है और कॉमेडी है वो सोशल एटिकेट और रेपटेशन पे होती है अ कॉमेडी ऑफ मैनर इज नेम्ड एज सच टू कॉल अटेंशन टू वन ऑफ इट्स मोस्ट सेंट्रल थीम्स मैनर तो इसका जो थीम है वो आपका मैनर है और सोशल एटिकेट है द कॉमेडी दैट कैन इंस्यू बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस स्पेशली टू द अपर क्लास ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन ऑफ प्रिजर्विंग पोजिशन इन सोसाइटी तो अगर हम रेस्टोरेशन पीरियड की बात करें तो वहाँ पर एक जो सोशल एटिकेट और रेपुटेशन की जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा थी इसी को इसमें शो किया गया है वुमेन द क्वेश्चन ऑफ द वुमेन्स रोल इन सोसाइटी इज ब्रॉड टू द फोर ग्राउंड इन सम्रेसिव और सम नॉट सो इन दी वे ऑफ दर्ल्ड की पोजिशन इसमें शो की गई है मैरिज एडल्ट्री एंड इनहेरिटेंस तीन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें आ, थीम्स देखने को मिलती है जो कि एक है आपका मैरिज दूसरा एडल्ट्री और इनहेरिटेंस मैरिज एंड एडल्ट्री आर ऑफ़ कोर्स मेन थीम्स इन दी वे ऑफ दी वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा एडल्ट्रियस है एंड इट सेम्स दैट कैरेक्टर्स हैव मच मोर ऑफ अ प्रॉब्लम विद द पोटेंशियल फॉर देंटेड टेंटेड रेपुटेशन दैन विद एनी मॉरल और इमोशनल एम्परेटिव नॉट टू चीट ऑन अदर ऑन दियर स्पाउस तो यहाँ पर सिर्फ टेंटेड रेपुटेशन को इम्पोर्टेंस उससे बचने के लिए कोशिश की जाती है ना कि मॉरल और इमोशन इम्परेटिव नहीं देखने को मिलता उनका मॉरल अटैचमेंट मॉरल जो वर्च्यूज़ uh, थे उनके बारे में ना बात होकर सिर्फ एक रेपूटेशन के बारे में हमें देखने को मिलता है दिस स्टार्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस विद द प्रॉब्लम दैट दो द प्राइमरी मैरिज बींग अरेंज इन प्लेस सीम्स टू बी बेस्ड इन ऑन लव मैनी ऑफ द सेट इन प्लेस बिफोर द प्ले like mrs fennel's marriage to fennel and were done more tactically as way to ensure money and reputation to yahan pe hame dekhne ko milta hai ki jo restoration jo period tha usme uh, based jo base tha किसी भी marriage का जो base होता था वो love और affection की बजाय वहाँ पे इंश्योरिंग money और रेपुटेशन का होता था A major conflict in the play टू is हु विल हैव क्लेम टू मिसिज मेलमेंट्स इनहेरिटेंस अब यहाँ पर क्या है कि जो मिसिज मेलमेंट है उसको जो ट्वेल्व थाउजेंड पाउंड मिलने हैं उसका जो इनहेरिटेंस है वो किसको मिलेगा ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट है सभी इसको चाहते हैं चाहते थे विद फैनल अटेम्प्टिंग टू लेव हिज वाइफ्स अपेरेंट एडल्ट्री टू गेट क्लेम टू हंड मिसिज मेलमेंट्स इनहेरिटेंट तो सभी मिसेस जो मिस मैलमेंट थी उसके इनहेरिटेंस के पीछे आ, थे फ्रेंडशिप की बात करें ये भी एक थीम है यहाँ पर इसे माइनर थीम यहाँ पर बोल सकते हैं सेम जेंडर एंड अपोजिट जेंडर फ्रेंडशिप आर कॉल्ड इन टू क्वेश्चन इन दिस प्ले एज इट इज सेट दैट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट नन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टिंग लेकिन जो रिलेशनशिप थी फ्रेंडशिप थी वो कहीं पर हमें पर्टिकुलरली स्ट्रोंग देखने को नहीं मिलती है The women, women, and men, men pairing, though originally posing as friends, join schemes against one another based mostly on money and repetition. Again, we have uh, friendship hai, unke mein, uh, Women, women, ki, or men uh, with men, we see that all are there just because, for, because of money and repetition for gaining that. As for women men pairings, we do not see many in the play that are not based on either mutual love or love of one and disdain of other. Here we mutual love or understanding. Just we, they are friends for money and repetition. Certainly, friendship is as falsely fashionable and tactical as anything else in the play. Friendship प्ले में हमें देखने को मिलती है जो थीम है वो फॉल्सली फैशनेबल है सिर्फ दिखावे के लिए है और टैक्टिकल है चीजों को हैंडल uh, करने के लिए है अब रिलीजन की बात करें द कैरेक्टर्स इन द प्ले थ्रो अराउंड इनवोकेशन ऑफ गॉड एज इन ओटसो ऑल द टाइम बट दिस इज यूज बेसिकली फ्लिप एंड लिंग्विस्टिक नोट एंड ऑफन सेट कॉलिकुल इन द सेम वे पीपल इन द दंटेप्ररी सोसाइटी थ्रू आउट गॉड ब्लेस यू विदाउट अ था यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो गॉड ब्लेस यू ये वर्ड भी हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ इट वॉज नॉट आउट ऑफ अफेक्शन बट जस्ट फॉर यूज मैंशन इज ऑल्सो मेड ऑफ ड्रिंकिंग एंड रिलीजन विद रेफरेंस ऑफ इस्लाम मनी 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 इज ऑब्वियस थीम जो मेलियंट का मेलामेंट का जो इनहेरिटेंस है उसे लेने कर लेने के लिए सभी प्लॉट करते हैं मनी एंड लव आर टाइड क्लोजली इन द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड परहैप्स एज मच एज रेपूटेशन लेडी विशफोर्ट्स फेट आफ्टर द प्ले रेस्ट ऑन हर बींग एबल टू डोल आउट इनहेरिटेंस अप्रोप्रिएटली तो यहाँ पर जो आ, पूरा जो प्ले है वो लेडी विशफोर्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है क्योंकि मनी जो है वो इम्पोर्टेंट थीम है However, as member of the upper class, much regarding money is dealt with quite flippantly, like having dance performers over at the house or early in the play ordering chocolate and drinks. It is important to note that Miss Millerman’s half inheritance of six thousand pounds would amount today to many, many thousands of dollars, making the point of multiple characters lusting after it more clear. सो so, जो यहाँ पर सिक्स थाउजेंड पाउंड का जो मैटर था पूरे प्ले का जो सेंटर एक पॉइंट बन जाता है वो काफी बड़ा अमाउंट था और हम मान सकते हैं कि जो बाकी कैरेक्टर थे उनकी जो लस्टिंग फॉर मनी थी वो इस वजह से भी थी सोशल क्लास सोशल क्लास भी यहाँ पर थीम है द प्रेजेंस ऑफ टू मेन क्लासेस इन द प्ले अपर क्लास एंड सर्वेंट्स कॉल्स Attention to social class class as a theme in the the play, though one that is not written with the satirical eye, Congreve gives upper class behavior alone. तो पर हमें अपर क्लास का जो बिहेवियर है वो देखने को मिलता है और सर्वेंट्स का रोल देखने को मिलता है और उनका बिहेवियर देखने को मिलता है एज कॉनग्रीव राइट राइट सेट फीबल एंड वेटवेल जो दोनों के दोनों सर्वेंट हैं सर्वेंट्स टू लेडी विस्फोर्ट एंड मीराबल जो मीराबल और विश्व uh, के सर्वेंट है इट गिव्स दैम बोथ दबिलिटी टू एक्सर्ट सिक्रेटिव पावर ओवर मेम्बर्स ऑफ द अपर क्लास वो ये इसलिए भी करते हैं कि उन्हें कुछ पावर uh, यहाँ से मिलती है अगर वो दोनों बात मानते हैं किसकी विश्व और मीराबेल की विश्व और मीरावेल की अगर वो प्लॉट में हिस्सा लेते हैं तो दे गेट सम पावर विद इन द अपर क्लास विद इन द अपर क्लास इट इज ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू जोक्स अबाउट वन अनदर दैट बींग वेल एजुकेटेड एंड वेल मैनर्ड इज ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंस एंड देयर कैन बी सोशल डिविजन अटॉप इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एटिक्यूट एंड स्टेटस thank you for watching this uh, session hopefully you got quite good idea about summary of the work and the characters of the play thanks again see you in next session